आज हम लोग एक काइट का डेकोरेशन स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सीखेंगे। ये आपके एक क्रिएटिव क्राफ्ट या आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जिबिशन के लिए भी एक अच्छा आइटम है। इसमें हमने 12 इंच × 12 इंच की पेस्टल शीट से काइट का पीस कट किया है और उस पे फ्लावर का डेकोरेशन किया है, और साथ में एक डेकोरेटेड टेल भी यूज़ की है उसके डेकोरेशन को इन्हेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये फ्लावर्स कैसे कट करने हैं और उसके बाद उनको हमने कैसे चिपकाया है। वो पैटर्न आप जो मैंने यूज़ किया है वो भी यूज़ कर सकते हैं और अपना भी कोई पैटर्न क्रिएटिव कोई आइडिया लगा सकते हैं। और ये डेकोरेटेड आइटम घर के भी वॉल हैंगिंग की तरह यूज़ हो सकता है और स्कूल का प्रोजेक्ट तो है ही। तो आप इसको गौर से देख लीजिए और तब हम शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। काइट डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स काटेंगे हम, और फ्लावर के साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक ब्राइट कलर की पेस्टल शीट लेकर उसको कट करेंगे और फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर बनाना सीखते हैं। ये स्ट्रिप हमने ली जिस साइज़ का हमको फ्लावर चाहिए, और इसमें से एक स्क्वायर पीस काटेंगे। ये हमने इस तरीके से फोल्ड किया और अब हम इसको कट करके एक स्क्वायर पीस निकाल लेंगे। कटिंग अगर अच्छी नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे फ्लावर पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक स्क्वायर पीस हमने निकाल लिया। इसके बाद हम कैसे फोल्ड करेंगे, इसको हमने बीच से इस तरीके से मोड़ा और ये डिमार्केशन लाइन हमको मिल जाती है। अब हम इसको इस तरीके से डिमार्केशन लाइन जहाँ पर हमको मिल गई है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से मुड़ा और सिमेट्रिकली इसको ठीक करना है हमें, जिससे कि हमारी पेटल्स सही बने। तो ये देखिए, ज़रूरत पड़ने पर हमने इसको सिमेट्रिकल करने के लिए कि दोनों साइड से बराबर ये कवर हो। अब हम इसको कट करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, ये हमने पहले बीच से डिमार्केशन किया, लाइन बनाई, उसके बाद हमने सिमेट्रिकली एक टर्न ऐसे और एक टर्न ऐसे ये। और अब हम फ्लावर कट करेंगे। ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देंगे जिससे जो सेंटर है फ्लावर का वो बचा रहे, और बाकी हम पेटल कट करेंगे जैसी पेटल हम चाहते हैं। जैसे मैं बिल्कुल सिंपल फ्लावर बना रही हूँ, जितनी साइज का पेटल हमको चाहिए उतनी साइज का पेटल हम इस पे काट लेंगे। अब एक बार देख ले कि ये कैसा आया है हमारा फ्लावर। फ्लावर सही आया है। अगर सही नहीं आता या जैसे ये पेटल्स थोड़ा ठीक नहीं बनी है, तो जैसे फोल्ड थी वैसे ही फोल्ड किया और पेटल को हमने सही कर लेना है। ये जैसे फोल्ड था वैसे ही वापस से फोल्ड कर लिया और पेटल को सही कर लेंगे हम, शेप सही कर लेंगे हम। काफ़ी फ्रीडम रहता है, कोई डरने की बात नहीं है बच्चों। ये देखिए, आप चाहें तो फोल्ड करने के बाद पहले पेंसिल से निशान लगा लें और उसके बाद सीजर यूज़ करें। हाँ, जब भी कभी सीजर ब्लेड ऐसी चीज़ें यूज़ करें, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहें अगर आप छोटे हैं तो। तो ये हमने अपनी पेटल को ठीक कर लिया, देखो अब ये हमारी शेप में काफ़ी सही दिख रही है। और इसी तरीके से एक फ्लावर हम और कट करेंगे और फिर उनको एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा एक फ्लावर हो गया, इसी तरीके से एक फ्लावर और कट किया, और अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे कि जो ऊपर वाले फ्लावर की पेटल्स हैं वो नीचे वाले फ्लावर की पेटल्स के बीच में पड़े, तब ये फ्लावर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इस तरीके से। और ये हमने इसको स्टिक कर दिया। और अब इसके कॉन्ट्रास्ट में जैसे येलो कलर लेकर उसकी एक छोटा सा सर्कल कट करके हम यहाँ पे चिपका देंगे। ये एक छोटा सा पीस लिया हमने येलो कलर का, उसमें से भी एक छोटा सा पीस किया, और अब आप इस पे सर्कल बना के तब कट कर सकते हैं। मैं सीधे कर ले रही हूं। जितना बड़ा सर्कल आपको अच्छा लगे उतना बड़ा सर्कल आप इसमें कट करके और फ्लावर के सेंटर में चिपका दीजिए। ये
हमारा फ्लावर तैयार हो गया। और इस तरीके से डिफरेंट साइज के फ्लावर्स हम पहले तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम एक ब्राइट कलर का पेस्टल शीट लेकर काइट के शेप में 12 इंचेस × 12 इंचेस का एक स्क्वायर कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने बहुत सारे फ्लावर्स ऑलरेडी रेडी कर लिए हैं। अब हम कुछ ग्रीन लीव्स कट करेंगे, उसका भी बहुत आसान तरीका है। जितनी बड़ी लीव्स चाहिए एक छोटा सा पेस्टल शीट से स्ट्रिप कट करेंगे ग्रीन। अब इस स्ट्रिप को जिस साइज का हमको लीव चाहिए उसी साइज में इसको कई बार फोल्ड करेंगे, इतना मोटा जितना हम इजिली कट कर सके। तो ये मैंने इसको फोल्ड करना शुरू किया और मैं उतना फोल्ड करूंगी जितनी बड़ी लीव्स मुझे चाहिए। तो मुझको कुछ इस लेंथ की लीव्स चाहिए, इसलिए पहले मैंने इसको और भी हाफ कट किया क्योंकि मुझे इतनी चौड़ी लीव्स नहीं चाहिए। और फिर ये देखिए, एक ही कट में आप बहुत सारी लीव्स बना सकते हैं। तो मुझे इतना साइज ठीक लग रहा है तो मैं यहीं से वापस मोड़ दूंगी कट को। ये बिल्कुल फ्रीडम आपके पास रहती है। और ये हमारी लीव्स तैयार हो गई हैं। इस तरीके से मैं डिफरेंट साइज की ग्रीन लीव्स तैयार कर लूंगी। और अब आप फ्लावर्स को, लीव्स को एक पैटर्न में, अपनी मनपसंद डिजाइन में, जैसे मैंने इस तरीके से फ्लावर्स और लीव्स को यूज करके अपनी काइट को डेकोरेट किया है। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस उसमें छिपे मैसेज पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने यहाँ पर फ्लावर्स यूज किए हैं तो जो मैसेज मैंने लिया है वो मैसेज फ्लावर्स से रिलेटेड है और एक खूबसूरत स्ट्रांग मैसेज है। एवरी फ्लावर इज अ सोल ब्लॉसमिंग इन नेचर। एवरी फ्लावर विच इज ब्लॉसमिंग इन नेचर इज जस्ट लाइक वी ह्यूमन बींग्स, वी सोल्स, वी आर ऑल्सो लाइक अ फ्लावर एंड एम ऑफ आर लाइफ इज टू ब्लॉसम कम्प्लीटली। हमारी जिंदगी का लक्ष्य है कि हम पूरी तरह से खिलें और अपने गुणों से महके। इस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट में काइट को न सिर्फ डेकोरेट किया है बल्कि उसके साथ ये मैसेज भी कन्वे किया है कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य अपने गुणों से, उनकी महक से दूसरों को खुश करना, आनंद बांटना, प्यार बांटना, खूबसूरती बढ़ाना दुनिया में और खुद में भी आनंद में रहना, खुलना, खिलना, महकना है। तो इस तरीके से आप देखो कि ये काइट आपके प्रोजेक्ट की अपने मैसेज के साथ रेडी है। और इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी से डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट खूबसूरत क्रिएटिव क्रिएशंस बना सकते हैं। यहाँ पर काइट की डेकोरेशन में जो उसकी टेल है वो भी काफ़ी खूबसूरत ऐड होती है, एडिशन करती है। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे बटरफ्लाई या बो शेप के ब्लू और रेड कलर के पीसेस कट किए हैं और येलो कलर की एक पीस छोटी सी स्ट्रिप काटी है और उसमें मैंने ये बोज अटैच करके और फिर लास्ट में एक फ्लावर अटैच कर दिया है। तो अब हमारा काइट रेडी है। आप भी अपने क्रिएटिविटी से एक खूबसूरत क्रिएशन क्रिएट करिए।